अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका एग्जाम कल है और आपको लग रहा है डर कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या छूटा है, अरे मेरा इतना सारा सिलेबस छूट गया, तो आपको ये सब सोच के बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आज ये वीडियो खास आपके लिए है। आपका ये वीडियो डर जो है वो पूरी हद तक निकालेगा और साथ ही साथ एक अलग एनर्जी आपको भर देगा। आप एग्जाम देने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे और आप एग्जाम भी इजिली दे पाएंगे। मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये वीडियो आपका, आपने बहुत सारी चीजें सुनी कि OMR कैसे भरना है, एग्जाम कैसे देना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, सब बातें आपको पता है, सारा सिलेबस आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। पर अब बात है कि अब सब कुछ पता होने के बाद एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं डर लगता है। कितना भी कोई प्रिपेयर्ड हो, उसका फुल सिलेबस कवर हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो डरता है कि किस तरह से एग्जाम होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या पूरा पेपर हो भी पाएगा कि नहीं, कि बीच में छूट जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और यही सारे कंफ्यूजन्स दिमाग में जब इस तरह से चक्री की तरह चल रहे होते हैं तो वहीं पे बन जाता है एक डर। तो ये वीडियो आपका उस डर को निकालने के लिए है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम आ गया है, सीटेट है एकदम सामने, कल जा रहे हो एग्जाम देने, तो आपको क्या करना है एग्जाम देने से पहले? एग्जाम देने से पहले इस काम को जरूर करना, जरूर करना, तो देखना आपका जो एक एनर्जी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको सबसे पहला काम करना है शांति की जगह पर बैठ जाना है, एकदम शांत जगह पर बैठना। या तो रात में करो आज ये काम, या फिर कल सुबह जाने से पहले करो, पर ऐसा काम मैं बोल रही हूँ, मैं तो यही बोलूंगी कि आप इस काम को रात में करो, लेट नाइट करो, जब सब सो जाते हैं, सब एकदम पूरे हर जगह शांति हो जाती है, तब आपको इस काम को करना है। आपको क्या करना है, आपको एक सॉन्ग चलाना है, और सॉन्ग कौन सा है आपको चलाने के लिए? बना की मुश्किल है बहुत पर चल रे मुसाफिर, वो ए बंदिया बंदिया वाला सॉन्ग है ना, तो आपको इस सॉन्ग को प्ले करना है। आप बिलीव करो, आपको ये एक फनी बात लग रही होगी कि अरे एग्जाम देने जा रहे हैं और मैम सॉन्ग बोल रही हैं सुनने के लिए, ये फनी लग रहा होगा आपको, पर आप करके देखना। आज रात को ये जो भी वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को देखने से पहले आप सबको ये फनी बातें लग रही होंगी कि मैम ये फालतू की बातें कर रही है, पर इसको जब करोगे शांति में, मैंने क्या बोला कि आपका ये एक रूल है, इसका ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको एकदम शांत जगह पर जाना है और ऐसा समय चुनना है जब एकदम शांति हो। तो शांति कब होगी? या तो रात में होगी, या लेट नाइट होगी, या छत पे होगी जहां पर कोई भी शोर ना हो, तो ऐसी जगह पर चले जाओ, बिल्कुल शांति में, कमरा बंद कर लो, कमरा हो तो किसी के पास अलग से, और इस गाने को फुल वॉल्यूम पर हेडफोन पर लगाओ। बिलीव करो इस सॉन्ग को सुनने के बाद इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी ना आपको कि यस, अब मैं इस पेपर को क्लियर करूंगा, यस मेरा पेपर क्लियर होगा। और ये सॉन्ग सुनते सुनते अपने दिमाग में एक इंप्रेशन बनाना चालू करो कि ये पेपर मेरा क्लियर हो गया। अब एक पॉजिटिव थॉट लाओ अपने साथ साथ कि यस, अब मेरा ये पेपर क्लियर हो गया है, और ये पेपर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी मैं उन वैकेंसीज को भर पाऊंगा। तो इसको आपको सॉन्ग सुनते सुनते ये एक विजुअलाइज करना है, ये पेपर निकल गया और निकलने के बाद अब मुझे दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम को भरने के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ, या मुझे कहीं प्राइवेट सेक्शन में जाना है, सेक्टर में जाना है जहां पर सीटेट को मान्य माना गया है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहां सीटेट को मान्य माना गया है, तो मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन में भी हो गया है। ये सारे पॉजिटिव थॉट्स आपके जब दिमाग में इधर से आएंगे और गाना आपका चल रहा होगा, आप बिलीव करो आप एक एनर्जी से भर जाओगे, फिर आपके दिमाग में ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा पेपर कैसे होगा, क्योंकि आपको फिर ये एक आपका माइंड, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हमारा माइंड भी उसको उसी ढंग से माइंड भी उसके लिए एक्टिवेट कर देता है खुद को, तो वैसा हमारा फिर दिल बोलने लगता है, तो फिर क्या है हमारा एग्जाम भी अच्छा तरीके से होगा। तो ये वीडियो आपको एनर्जी से भरने के लिए था, और मेरे ख्याल से आप इस तरह की चीज को जब आप करेंगे रात के टाइम पे, ये आपको एनर्जी से भर देगा। और फिर सुबह उठ के जब जा रहे हो ना, जब एग्जाम के लिए जाते हैं हम कहीं कार में बैठ के, बाइक में बैठ के, स्कूटर पे बैठ के, या बस में बैठ के, या ट्रेन में बैठ के, कहीं भी, आप फिर हेडफोन लगाना और एक और गाना सुनना, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस उसके बाद पेपर देने का तुम अपनी एनर्जी देखना और बाकी लोगों की एनर्जी देखना, बहुत डिफरेंस होगा। ये मैंने खुद पर आजमाया है और ये खुद पर बिलीव करो ये काम करता है, करके देखोगे तभी पता चलेगा। तो ये वीडियो इतना ही था, और साथ ही साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सबने पूरी तैयारी करी है, चैनल के माध्यम से यहाँ पर तैयारी कराई गई है, सारा कुछ आपको प्रिपेयर है, सब आपको आता है, अब बस बात क्या है वहां पर जाकर
एकदम बल्ले बल्ले कर देने की, और आकर जरूर बता देना कि पेपर कैसा हुआ। जिसमें वेट करूंगी आप सभी कैंडिडेट का कि आपका पेपर कैसा हुआ, मुझे इंतजार रहेगा। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। छोटा वीडियो था पर काम का वीडियो, सटीक वीडियो है, और कर जरूर देखना। मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, कर देखना।